Yo, what's happening guys, my name is Loggy और आज हम फिर से Roblox वाली दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और गाइज आज मैं और चपाती भाई जाने वाले हैं सीधा स्कूल के अंदर। और ये रहे चपाती भाई, रेडी हो ना? हाँ, तो मैथ्स वाला होमवर्क करके लेके आया भाई। वो भाई मैथ्स वाले टीचर बहुत ज्यादा खड़ूस है, तेरे को डंडे से मारेगी। हाँ, भाई मैं रात को 3 बजे तक बैठा था भाई। आधी पंजाबी का फेंक रहा है, पंजाबी को होमवर्क नहीं करना, तेरे को मैथ्स के होमवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। भाई आज मैं साथ में अपना पैट भी लेकर आया हूँ, आज शो एंड टेल वाला दिन है भाई। पैट देखा कैसे खतरनाक भाई गुस्से वाले छोड़ेगा नहीं। स्कूल वाली बस भी आ चुकी है। बस के अंदर सारे बंदे खड़े, टिक्के बैठ जाओ। मैं बैठ रहा हूँ भाई, मैं पीछे वाली सीट के अंदर बैठ चुका हूँ। और मैं कैसे बैठ चुका भाई, मैंने दो दो सीटें पकड़ ली हैं। तेरा पैट ब्रश से बाहर चला गया। अरे बस वाले अंकल जी कितनी स्लो बस चला रहे हैं भाई, मैं पहले लेट हो रहा हूँ। टायर भी नहीं घूम रहे हैं, मैं अभी वही बोलने वाला था। ये काम हो रहा है Roblox के अंदर। ओके, अभी हम फाइनली यहाँ पर गाइस आ चुके हैं। और ये रहा गाइस अपना स्कूल। तो भाई कितना बड़ा स्कूल है यार हमारा। स्कूल तो भाई एकदम सुपर कूल है, अमेरिका में पढ़ने जा रहा हूँ, वो तो झंडे लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर लेट हो चुके हैं। और मिस्टर हॉल भाई अपना हेड टीचर ऐसे ही भाई दरवाजे के अंदर से निकल गया। भाई बड़ा खतरनाक हेड टीचर है यार अपना। तो उसको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, घर में दरवाजे के अंदर से घुस के आऊंगा। तो सर जी हमें बोल रहे हैं कि हम कौन से टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर गाइस ये पढ़ाकू वाला, यहाँ पर ये एथलीट वाला, तो हम सेलेक्ट करेंगे एथलीट वाला। जिम वाला बंदा 5 किलो उठाऊंगा भाई आज तो मैं जिम के अंदर। ओके, तो मुझे लगता है गाइस हमें अभी इसको बता दिया है। तो ये देखो पहले मेरा नाम आ चुका है, तो मैंने इसको बता दिया है कि आई एम एथलीट। क्लास के अंदर घुस जा। अरे आपको पता है ना भाई, ये अपना पहला दिन है भाई स्कूल के अंदर, क्या कुछ भी बोल रहे हो। कितना बड़ा स्कूल है यार, ये देखो क्या खतरनाक स्टैचू भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो मुझे लगता है गाइस ये होगा सबसे टॉप स्टूडेंट। अरे वो टॉप स्टूडेंट नहीं है, जिसने स्कूल बनाया उसके स्टैचू है ये घरे कहीं के। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगता है भाई चपाती भाई सही बोल रहे हैं। अरे मेरी क्लास कहाँ पर है? अगर यहाँ पे देखो तो भाई कितना बड़ा स्कूल है यार। वो देखो भाई सामने सीढ़ियां भी लगी हुई हैं। मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा, सबसे पहले कैफेटेरिया के अंदर चलते हैं, थोड़ा खाना पीना। भाई भाई मैं बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर क्या कबाड़ा कर रहा है। बोलो अभी क्या आप तो डालो चला गया रोड पे कबाड़ा। आप बोल रहे थे कि आपको कैफेटेरिया के अंदर जाना था, खाना खाना था आपको। नोटिस किया कि जैसे ही आप अंदर आए राइट साइड के ऊपर स्टेज, और जैसे ही आप स्टेज के ऊपर आओगे सबसे पहले आपकी आती है केमिस्ट्री क्लास। अरे मेरा पहला लेसन ही केमिस्ट्री क्लास के अंदर है, मैंने जिम जाऊंगा ही नहीं। अरे कंप्यूटर साइंस आ जाओ भाई इसके अंदर, तो मैं जाऊंगा भाई कंप्यूटर साइंस के अंदर। अच्छा क्लास बंद है यहाँ से? अच्छा क्लास के अंदर जाना ही नहीं है, वो कार अंदर बिल गेट्स पढ़ रहा है भाई, अंदर मत जाओ। और ये बोल रहा है भाई ओके क्लास गाइज अभी स्टार्ट होने ही जा रही है, और एथलीट्स हैव अ जिम क्लास। ओके हाँ चलते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर एथलीट का ऑप्शन सिलेक्ट किया था, तो अभी हमें जाना है जिम की तरफ। जिम की तरह है भाई, मुझे लगता है जिम होगा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। तेरे को वैसे पता लगता है रोज आता है क्या ये स्कूल के बाद जिम यहीं पर करता है ये? भाई हर एक जिम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही होता है। तो ये रहा गाइज हमारा बेंच प्रेस, और अभी देखिए लॉगी आते मैंने चॉकलेट ना 380 किलो। भाई मुझे पता है उसके ऊपर भाई वेट्स लगे भी नहीं है, वो तब भी आपसे गिर जाएगा। तूने भाई अच्छा तू उठा के दिखा दे मेरे को। अच्छा ठीक है एक मिनट भाई, सिर्फ 30 सेकंड में अपनी क्लास शुरू होने वाली है। ये कौन है भाई? ये तो कुछ ज्यादा ही हट्टा कट्टा बंदा यहाँ पर आ चुका है। और इसका नाम क्या है? फ्लेक्सिंग कर रहा है कोच बोल्डर। भाई ये कैसा नाम है भाई, जैसा इंसान है वैसा नाम है। नाइस भाई बड़ा खतरनाक नाम है यार ये इसको। ये गाइस इसकी बातें मत आना, ये बंदा बट्टे खाता है। और मुझे देख रहे हो भाई इसकी, भाई एकदम से ढाकू लग रहा है यार ये तो। तो मुझे लगता है तभी ये यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है, डाकू बनने की ट्रेनिंग कर रहा है ये। अरे भाई तो गाइस ये मैं ट्रेनिंग दे रहा बोल रहा है, ये बेंच प्रेस वाली जगह है, ये वेट लिफ्टिंग वाली जगह। चल भाई हमको मत सिखा। अगर मैंने अपनी बॉडी दिखा दी ना तो मैं खुद ही भाग जाऊंगा अपनी बॉडी देख के। रहने दो भाई, कुछ ज्यादा ही आप फेंक रहे हो अभी। तो सबसे पहले हम जाएंगे बेंच प्रेस के ऊपर। तो पहले गाइस मुझे इसके ऊपर लगाने हैं ये वेट, तो मैं लगाऊंगा 100 किलो के भाई। और इसके बाद पहले मुझे यहाँ पर लेटना है, और गाइस अभी मुझे अपनी एक्सरसाइजिंग शुरू करनी है। तो यहाँ पर गाइस मुझे करने हैं, तो सेट्स यहाँ पर है 1 और फिलहाल 0 रैप्स हैं। तो अभी गाइस मुझे यहाँ पर शुरू करना है, तो यहाँ पर गाइस मुझे ऐसे क्लिक करना है। और भाई मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा हूँ, देख रहे हो ना भाई साहब, ये मेरे को भी चेक कर रहा है भाई, भाई। ज्यादा पहलवानी गिरी और कर रहा है यहाँ पर। बोल्डर तो भाई पूरा चौंक जाएगा भाई मेरे रैप्स देखने के बाद। वो क्या, मैं खुद ही चौंक गया। इसके बाद हम कौन सी चीज के ऊपर जाएंगे, ये कौन सी चीज है? डेड लिफ्ट भाई, हम ये काम करते हैं गाइस, अभी हम ये वाली चीज करेंगे। इसके नाम में ही क्लू है, अगर तू इसको लिफ्ट करेगा तो एकदम डेड हो जाएगा। देख रहा ना भाई मैं बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक उठा
तुम्हारा भाई तेरा वजन भी 400 किलो नहीं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है ये? अरे ये 400 किलो, ये सिर्फ 15 किलो है भाई, 15 किलो का मैं उठा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर। भाई मर जाएगा भाई तेरे को, लेकिन भाई से पहले दिन से ही बाहर निकाल देंगे, ऐसे काम मत कर तू। अरे भाई मुझे स्कूल से बाहर कैसे निकालेंगे भाई, कोच बोल्डर भाई उसने ऑलरेडी बोल चुका है कि मैं बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा हूँ। अरे वो तेरे को खोता बना रहा भाई, तेरे को बहुत मैं लगा रहा भाई, तेरे पेट के अंदर से जो है वो नशे सूख जाएंगे, इतना वेट उठा रहा मत उठा भाई। एक मिनट पहले मैं आपको मारता हूँ, कहाँ पर हो भाई? चपाती भाई तो ऐसे ही खड़े हैं, अभी मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग कर दी है भाई, आ जाओ और छोड़ भाई, बच गया भाई, लागी का मुक्का पड़ गया ना तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा, इतना भारी वजन उठाया उसने। आ जाओ अभी गाइस, मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत ऐसे वेट्स उठानी है, तो देख रहे ना भाई मैं बहुत ज्यादा मस्त कर रहा हूँ भाई, मुझे गाइस यहाँ पर हर एक एक्सरसाइज करनी है भाई साहब वगैरह सारी चीजें ट्रेनिंग कर रहा है, तो कुछ ही दिनों में वो बोल्डर से भी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा तू। तो भाई फिर कोच को मैं बताऊंगा कि असली बोल्डर कौन है। और ये क्या लिखा है, क्लास इज अबाउट टू एंड, तो एक काम करते गाइस अभी मैंने सारे वेट्स अपने वापस रख दिए। और ये क्या है, होप यू आर ऑल हंग्री बिकॉज़ इट्स ऑलमोस्ट लंच टाइम। अरे भाई अभी आता है गाइस अपना सबसे फेवरेट टाइम भाई स्कूल के अंदर। अरे आज तो मस्त खाना बना हुआ कैंटीन के अंदर, मैं तो यार मोटा माल लेके आया हूं घर से भाई, आज तो मैंने पिज्जा पूजे बर्गर चुरकर सब कुछ मैंने यहां पर खा लेना, तो देख लियो मेन्यू के अंदर क्या ये क्या भाई, किसी ने बर्गर पहले से ही चबा के रखे हैं। सही चोमू गिरी कर रहा है भाई हमारे साथ, यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, शेफ को देखो कैसे कूद रहा है। सालो आ जाओ ये अंडे क्या है ये? और ये देखो यहाँ पर लाइन के ऊपर ड्रिंक्स भी लगा के रखी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आउट ऑफ डेट होगा, लेकिन एनीवेज चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन हमें दे कर रखे हैं, तो यहाँ पर फ्राइज है, यहाँ पर बर्गर है, और आगे कौन सी चीज है, अच्छा ये खाली ट्रे यहाँ पर पड़ी हुई है, और इसके बाद यहाँ पर आती है एनर्जी ड्रिंक। तो गाइस हमने अभी बहुत सारी एक्सरसाइज की है, तो पहले हम यहाँ से उठाएंगे एक एनर्जी ड्रिंक। मैं तो चिप्स लूंगा, मैं तो बर्गर भी क्या और भाई कुछ ले लिया भाई आपने, तो ड्रिंक भी लेनी है, मैंने पूरे पैसे दिए पता, पूरी टाइम पे फीस आती है मेरी स्कूल काम के अंदर। चलो मैं भी ले लेता हूँ, तो यहाँ से गाइस मैंने बर्गर भी उठा लिया और फ्राइज भी उठा लिए, मैं तो थोड़ी देर बाद खाऊंगा। और चपाती भाई तो सही भाई रगड़े हैं भाई, आप तो कुछ ज्यादा ही सही खा रहे हो। तेरा खाता हूँ क्या, पूरी फीस मैंने दी है स्कूल की, पता ना तेरे को? हां मुझे पता है। तो चलो भाई मैं बाहर यहाँ पर आपकी वेट करता हूँ। अरे मेरी पूरी हेल्थ एकदम से कम्प्लीट हो चुका बेटे, और क्या टेस्टी बर्गर था रे, मजा आ गया। तो कुछ ज्यादा ही हाई हो चुकी है। नाइस, ये कौन आ गया, ये कौन आ रहा है भाई दरवाजों के अंदर से? मिसेस किम, दरवाजा खोल के आना होता है, लेकिन नहीं दरवाजे के अंदर घुस के आ रहे हैं ये। और ये क्या लिखा है, हाउ वाज लंच? चपाती भाई बोले इट वाज डिलीशियस भाई। ओए ये कौन सी, ये क्या हो रहा है भाई, अचानक से क्या हो गया भाई? अभी आपने देखा वो, ये देखो भाई कैसे स्कल्स निकल रहे हैं। रुक मैं जानता हूं किम को, ये एक्चुअली केमिस्ट्री टीचर है और ये स्कूल के अंदर जो है ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट करती है, तो आई थिंक इसने कुछ गलत एक्सपेरिमेंट किया और उसकी वजह से इसका स्किन एक सेकंड के लिए मतलब तूने नोटिस किया ना लाल हो गई वहां पर। मैंने देखा तो मुझे भाई वो ऑब्वियसली केमिस्ट्री टीचर है, उसको पता है उसके मुंह के ऊपर कौन से वो केमिकल्स जा रहे हैं, तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी इससे ज्यादा चिपक मत भाई, ये खतरनाक वाले टीचर हो सकती है, इसने गलत एक्सपेरिमेंट किया है, तेरे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर देगी, तू भी एकदम चूहा बन जाएगा। और ये आल्सो बोल रहे हैं कि जहां पर अपनी असेंबली रूम है वहां पर एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो आ जाओ देखते हैं भाई। मुझे लगता है यहाँ पर शाहरुख खान आने वाला है भाई अपने स्कूल के अंदर, यहाँ पर आने वाले खतरनाक। अरे यहाँ पर तो फिल्म चलेगी, लेट्स गो। अरे ये ऑडिटोरियम है भाई, फिल्म ऑडिटोरियम में कौन सी फिल्म होती है? आपको सामने लिटरली माइक पड़ा, आपको दिख नहीं रहा है क्या? कभी स्कूल नहीं किया, मैं गवार बंदा हूं, तो ओके तो आ जाओ भाई सीट के ऊपर बैठ जाओ, और मुझे मिली है सबसे आगे वाली सीट, मैं बिल्कुल यहाँ पर बैठूंगा। ये देख ले सबसे आगे वाली सीट भाई, अभी किसी ने कुछ भी बोला तो मैं सुन लूंगा। चोमू डायलॉग सा बेकार सा डायलॉग था, चोमू डायलॉग। अरे सर जी आ चुके हैं भाई, अरे ये कौन से सर जी है? मुझे लगता है स्पेशल गेस्ट यही है, इसका तो मैं जानता भी नहीं हूँ यार। ये इसका नाम है मेसन, तो ये क्या है, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट एट दिस स्कूल। तो अच्छा भाई ये हमें आई थिंक अभी बोलने वाला है कि ये स्कूल बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये खुद पास होके यहाँ से निकला भाई। ओ, 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 ये कौन सी चीज हो रही है? अरे मुझे लगता है भाई, अब मुझे लगता है ये बंदा भी टॉप में आया होगा स्कूल में, तभी अपने ऊपर केमिस्ट्री भाई ट्राई कर रहा है। क्या चोमू डायलॉग्स मार रहा है? अरे भाई कौन से चोमू डायलॉग्स है ये? क्या ये मेरे को तेरे साथ खेलना ही नहीं, लैपटॉप की बैटरी भी मेरी डाउन हो चुकी है, दे मेरे को चार्जर दे, मेरे को खेलना ही है, चोमू डायलॉग्स मार रहा है, इतना सिखाओ इसको, समझ में भी नहीं आती। मुझे एक्चुअली गाइस ऐसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि अचानक से इसका मुंह लाल हो चुका था जैसे अपना टीचर का, और अचानक से गाइस यहां पर लाइट भी जा चुकी है, उसने जैसे ही पावर मारी गाइस यहां पर लाइट जा चुकी है। चला ओए अरे कहां पर है भाई जो इसने पावर मारी था? अच्छा भाग गया यहां से, तो नाइट पोशन लगा के भाग गया होगा। हमें यहाँ पर बसा दिया इसने हॉल के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर भी करना क्या है मेरे को यहाँ पर? तो मुझे लगता है गाइस अभी हमें जाना होगा पावर स्टेशन के पास, और वहाँ से हमें अपनी चालू करनी है पावर। तो काम करता है लॉकर के अंदर से थोड़े बहुत हथियार निकालते हैं। तूने अपने स्कूल के अंदर हथियार छुपा के रखे? अरे भाई सबको सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं यहाँ पर, और मेरा लॉकर कहाँ पर है भाई? मुझे अंधेरे के अंदर दिख नहीं रहा है। अभी लॉग ही निकालेगा गाइस अपने लॉकर के अंदर से बहुत बड़ी वाली बाजूका। भाई मेरे पास बाजूका नहीं है, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक बेसबॉल का बैट पड़ा होगा उसके अंदर।
मुंह गिरी। अच्छा आ जाओ, हमारे अभी हाथ के अंदर वेपन्स तो आ ही चुके, तो एक काम करते हैं अभी हम जाएंगे सीधा रूफ के ऊपर, क्योंकि रूफ के ऊपर बना है पावर बॉक्स और मिस किम ने मुझे बोला है कि रूफ के ऊपर जाओ और वहाँ पर पावर फिर से चला। और यहाँ पर देखो इतने मोटे मोटे स्विमिंग पूल बना के रखे हैं लोगों ने यहाँ पर। अरे ये देखो भाई मुझे मिल गया, तो ये देखो गाइस अभी मैंने लीवर यहाँ पर खींच दिया और अभी अपने स्कूल के अंदर फिर से बत्ती आ चुकी है और हमने मिस किम का जॉब किया और अभी वो हमें कुछ रिवॉर्ड देगी। तो आ जाओ भाई एक काम करते हैं अभी सीधा चलते हैं मेन डोर के पास। लास्ट टाइम उसने जो रिवॉर्ड दिया था उसके चक्कर में हमारी स्कूल की बत्ती जा चुकी थी, इस बार पता नहीं कौन सा रिवॉर्ड दे रहे हैं ये लोग। अरे भाई मुझे लगता है इस बार कुछ खतरनाक रिवॉर्ड होगा और वो देखो भाई अपने स्कूल के बोर्ड के ऊपर सबसे टॉपेस्ट नाम मेरा ही है। देखा ये देखो भाई, ये देखो भाई अपने मैं भाई मेरा रिजल्ट क्या है, मेरा रिजल्ट है A+। देखा भाई वो सी नहीं देख रहा, CCB फिर A। ओ यहाँ पर फिर से भाई लाइट जा चुकी है, मेरी स्क्रीन फिर से यहाँ पर फेड हो चुकी है और ये मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या आ रहा है मैंने भाई अभी। अबे ये क्या हो रहा है, मैं तो निकल रहा हूँ भाई यहाँ से। अबे दरवाजे के ऊपर प्लैंक्स लगा के रखे हैं इन लोगों ने भाई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो केमिस्ट्री टीचर थी मिसेस किम और वो स्टूडेंट, मुझे लगता है ये लोग यहाँ पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। ये कौन है भाई, ये तो व्हाट मिस किम है, ये केमिस्ट्री वाली टीचर है भाई। तो यार ये कौन सी पावर मार रही है, तो भाई ये तो ईवल बन चुकी है अचानक से यहाँ पर। और हमने अभी इसी का फेस देखा था स्क्रीन के ऊपर और ये यहाँ पर हंस रही है, कॉमेडी करेगी अभी। देखियो अभी देखियो कपिल नाइट्स वाली शो शुरू होगा यहाँ पर। आई गो आई हैव गॉट यू ऑल। अच्छा हम पकड़े गए, हमें पता भी नहीं है भाई। आई थिंक अभी हमें इसको डिफीट करना ही पड़ेगा। आ जाओ मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। और ये कौन से डायलॉग मार रहे हो, आ जाओ भाई पहले इसको पकड़ो यहाँ पर। ये ले भाई सही मार रहा हूँ मैं इसको। अरे भाई क्या फ्लिप हो रही, क्या किक्के मार रही है ये चूमो टीचर। लेकिन भाई हम भी कुछ कम नहीं है, ये देखो भाई मैं कैसे यहाँ पर भल्ला घुमा रहा हूँ भाई अपना बेसबॉल बैट। ये ले भाई वो तेरी हवा में उड़ रही है भाई। ओके कम ऑन, मैं इसको पीछे से ऐसे मार देता हूं। तेरी मैं गया भाई, मैं गया, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। चपाती मार दो भाई, चपाती भाई मार दो उसको, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। कम ऑन चपाती अपने बांध भाई, जहाँ बास सोल्जर भाई मार रहे हैं बहुत बढ़िया। अरे लेट्स गो, अरे नाइस चपाती भाई ने मार दिया। अभी तक बैठी हुई है, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। देखा मर गई वो, मैं तो जिम के अंदर जाऊंगा, लॉगी बोलता चार चुपके उठाऊंगा, वो देख लिया चोमू बंदे। ये मिस्टर होल्ट कहाँ पर था भाई ये इतना टाइम, और मुझे लगा मुझे ऐसा लग रहा है कि दरवाजे के अंदर से फिर से फेस होके आएगा। और ये सर जी बोल रहे हैं आई कांट ओपन द डोर, भाई तुझे दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, तेरे पास ऑलरेडी शक्तिशाली पावर्स हैं। लेकिन मुझे लगता है गाइस इसकी पावर बाय प्लैंक्स रोक रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें ये सारे प्लैंक्स यहाँ से हटाने पड़ेंगे ताकि मिस्टर हॉट अंदर आ सके। मॉन खोलो खोलो खोलो, अच्छा ये खुल ही नहीं रहे हैं भाई। तो गाइस अभी हमें अपना प्लान बी एक्सिक्यूट यहाँ पर करना पड़ेगा। ओए, 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 और प्लान बी ये है कि हमें अभी रूफ के ऊपर से जाना है और वहां से हमें भागना है। और अभी हम गाइस छत के ऊपर आ चुके हैं, कितना अंधेरा है भाई, हमें निकलना पड़ेगा। कहां पर है भाई वो रस्सी, कहां पर है? अच्छा ये रही भाई, मुझे रस्सी मिल चुकी है, तो यहाँ से गाइस अभी मैंने ये रस्सी उठा ली। और कम ऑन भाई एक काम करते, एक एंड में दे देता हूँ भाई मिस्टर हॉल्ट को और दूसरे एंड से हमें नीचे आना है। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि वो अंदर आ रहा है कि हम बाहर जा रहे हैं। क्लाइम डाउन द लैडर, ये कौन सी चोमू गिरी है भाई, पहले हमसे रस्सी ढूंढवाई भाई, फिर हमें बोल रहा कि पीछे भाई लैडर भी बना हुआ है। और आ जाओ अभी लैडर पकड़ के नीचे। तेरी मैं वहीं से ही कूद गया भाई, मैंने नहीं भाई मैं जिंदा भाई, मेरे भाई तभी तो मैंने इतनी जिम भाई, तभी तो भाई मैं जिम है। और चलो भाई बस हमारी एकदम से यहाँ पर पार्क हो, अबे बस निकल गई हो। हेलो मिस्टर हॉल्ट रोको, रोक उसको, हमको लेके तो जाना यार। भाई क्या चोमू गिरी है, हम फिर से यहाँ पर फंस चुके हैं। और ये कौन से सर जी हैं? अब ये पागल, अरे ये तो मेसन आ चुका है यहाँ पर। ओ तेरे, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमें इसको भी मारना ही पड़ेगा। अरे बंदे पागल हो रहे, अपनी हालत देख ले भाई। वी विल मीट अगेन, हाँ 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 कल मिलेंगे भाई, मैं यहाँ निकल रहा हूँ यहाँ से। कल आना, घड़ी देखो कैसे बांध रखी है चोरस घड़ी। तो चलिएगा सो थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है, तो होप यू एंजॉय इट, मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।